रातने पर मुझे बीती हुई तेरी बातें ही खाती गहरा ये दरिया इश्क का भरा मेडू सपनों में है पर हकीकत में क्यों नहीं मेरी बाकी बाथरूम सिंगर ईपी आई एम एक्साइटेड नाउ कि भाई इसमें क्या होने वाला है कि हेलो व्हाट्स अप पीपल ऑफ द इंटरनेट यू आर वाचिंग इट्स एचके ओके सो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन नास का हकीकत एंड बाथरूम सिंगर ईपी लिखा है तो नास का भी ईपी आ रहा है शायद एंड ये उसका पहला ट्रैक है सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जंप इनटू रिएक्शन मेलोडी के साथ स्टार्टिंग नारना नाना नारना ना नारना मैं चला हूँ रास्ते पे तेरे दिल लगी के सारे ख्वाब लेके अकेला मुसाफिर ठहरा मैं तेरे गली के बीच चौराहे पे तू मुझको राहे दे मैं भटका जो तेरे साए से जाने ये चांद सितारे क्यों तेरी करते मुझे सिफारिशें खिलाफ होके मेरी याद तूने गुनेगार किया तेरी चाहतों ने कोरे कागजों पे गिरे अश्क तो खत पूरा हो गया उदास होके तेरी यादों में लेटे रहता मैं काली ब्रो कोरे कागजों पे गिरा अश्क तो खत पूरा हो गया ए मैन तो खत पूरा हो गया उदास होके तेरी यादों में लेटे रहता मैं काली रातों में तेरी काटों से गहरी बातों ने दिल पे वार कर दिया कैसे ये दिन ढले कैसी ये सुबह हुई है कैसे ये फासले ऐसी क्या खता हुई है कैसी ये मंजिले कैसे है ये रास्ते कैसी ये जंजीरे ऐसी क्या सजा के तो सपनों में आके मेरे कह दे मुझे क्या मैं करूँ दिल भी मेरी मानता नहीं के तू आरज़ू जगा के मेरी आदतें खराब करे फिर भी क्यों मैं जानता नहीं ये तू सपनों में है पर हकीकत में क्यों नहीं मेरी के तू सपनों में है मेरे सब ये जो लाइन आया तू मेरे सपनों में है इधर ना थोड़ा बेस ज्यादा है एंड थोड़ा सा ट्यून मतलब उतना मेलोडी नहीं लग रहा है लाइक फटा हुआ लग रहा है नाज का पता नहीं उसने वो इंटेंशनली किया या फिर के कुछ बट वो अच्छे से ट्रांजिशन फील नहीं हुआ बट तुम्हें क्यों नहीं मेरी के तू सपनों में है मेरे सपनों में है पर हकीकत में क्यों नहीं मेरी के तू सपनों में है पर हकीकत में क्यों नहीं मेरी के तू सपनों में है मेरे सपनों में है पर हकीकत में क्यों नहीं मेरी मैं ढूंढू तुझे आज कल क्या है दिल में तेरे मुझसे बात कर या तू हाँ तो कर या फिर ना तो कर पर ना छोड़ा कर मुझे ऐसे हाल पर मैं क्या जिस दिन तू मेरी हो जाए तो पूरे शहर में खिला मिटाए दूं मैं दिल ने वही उम्मीद के बीच प्यार से ब्रो ये मस्त है ये था लिसन अगेन भाई तो कर पर ना छोड़ा कर मुझे ऐसे हाल पर मैं क्या जिस दिन तू मेरी हो जाए तो पूरे शहर में खिला मिटाए दूं मैं दिल ने वही उम्मीद के बीच जो प्यार से बूंदे सिंचाई तूने खाली किताब से जिंदगी लगे और ढूंढती मेरी सियाई तुझे या तो तू खुद को मिला दे मुझसे या खुद से दे दे रिहाई मुझे आंखें ये रोती है रात में मेरे दिमाग से तेरी वो यादें नहीं जाती लेता हूं नहीं वाला हाथ ने पर मुझे बीती हुई तेरी बातें ही खाती गहरा ये दरिया इश्क का भरा मेडू ब्रो ये लाइन लेता हूँ निवाला हाथ में पर मुझे बीती हुई तेरी बातें ही खाती फक डैम मैन दे देरी है मुझे आंखें ये रोती है रात में मेरे दिमाग से तेरी वो यादें नहीं जाती लेता हूँ नहीं वाला हाथ ने पर मुझे बीती हुई तेरी बातें ही खाती गहरा ये दरिया इश्क का भरा मैं डूबाने को तेरी आगे ही काफी तू न रही इन हवाओं में तो मुझे चैन से भी अभी सांस नहीं आती गुजारिशों में है तू सिफारिशों में है तो क्यों आशिकी ये काम रही के तू ख्वाहिशों में है मेरी मंजिलों में है फिर क्यों रास्तों में शाम रही के तू सपनों में है तू सपनों में है पर हकीकत में क्यों नहीं मेरी के तू सपनों में है मेरे सपनों में है पर हकीकत में क्यों नहीं मेरी के तू सपनों में है तू सपनों में है पर हकीकत में क्यों नहीं मेरी के तू सपनों में है मेरे सपनों में है पर हकीकत में क्यों नहीं मेरी
since 28. Okay. Okay, so जैसे EP का नाम है बाथरूम सिंगर, सो डजंट मैटर कि वो हुक वाले लाइन में मेलोडी ट्यून पिच मैच कर रहा था नहीं कर रहा था, बिकॉज फक इट मैन, बाथरूम सिंगर EP का नाम है तो वी ऑल नो बाथरूम में गाते हैं भाई, वी डोंट जज एनीवन जो बाथरूम में गाता है ब्रो कि भाई आवाज खराब है, कि वो खुद के लिए है भाई, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, सो नो वरीज ओवर देयर। एंड म्यूजिक वीडियो की बात करेंगे तो म्यूजिक वीडियो चालू हुआ, नाल घर के बाहर था, फिर वो हॉल का सीन था, फिर गुलाबी बोल रहा हूँ, सनफ्लावर वगैरह बिखरे हुए थे एंड बाकी सारे बी रोल्स, और एंड में वो सब समेट के सब सनफ्लावर्स लेके बेडरूम में गया एंड बेडरूम में सो गया अकेला, बेड पे कोई नहीं था। सो वो सपनों में है बट हकीकत में नहीं है, ऐसा म्यूजिक वीडियो के थ्रू भी दिखाया गया है। एंड दो सेकेंड वर्स में जो दो लाइन थे भाई, आई जस्ट लव दैट लाइन, निवाले वाला लाइन एंड दूसरा वाला कौन सा था, तू ना रही इन हवाओं में तो मुझे चैन से अभी सांसें भी नहीं आती। सो वो लाइन भी मुझे लाइक डैम हिट हुआ एंड मतलब वो दो लाइन लाइक आई जस्ट, ये दो लाइन मेरे लिए पूरे सॉन्ग में आई जस्ट लव दिस लाइन, लाइक मेरे टॉप लाइन रही एंड वो पूरा पैच ही अच्छा था जिधर वो हुक के बाद पूरा आया। एंड म्यूजिक वीडियो जैसा मैंने म्यूजिक वीडियो मैंने बात किया वो था एंड That's it, bro. गाना अच्छा था, स्टार्टिंग में मुझे इतना मजा नहीं आ रहा था बिकॉज फ्लो उतना अच्छा नहीं था एंड लाइक बेसिकली गा रहा ऐसा लग रहा था, एंड सेकेंड वर्स में लाइक थोड़ा फ्लो एंड थोड़ा फास्ट हो गया एंड मजा आ गया सेकेंड वर्स में। एंड बाकी बाथरूम सिंगर EP, आई एम एक्साइटेड नाउ कि भाई इसमें क्या होने वाला है, कि म्यूजिक वीडियो के थ्रू भी वो कुछ स्टोरी वगैरह दिखाएगा, बिकॉज बेसिकली इस म्यूजिक वीडियो में उसने दिखाया, तो आई हैव हाई होप्स फॉर दिस EP एंड Let's give it up for Nas for making such a good song. Okay, so that's it for this reaction. Make sure you hit the subscribe button because hum log har roz react kar rahe hai. And also turn the bell notification off ki jaise main upload karu aapko notification aa jaye. Till then, keep listening, keep hustling.